वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो अभी ना हम लोगों का बस ऑफिस ओवर हुआ है और हम मैं और सिद्धार्थ निकल चुके हैं एक जगह पर जाने के लिए. सो गाइज हम लोग ना जा रहे हैं एक कॉन्सर्ट में एंड वो है सिद्धार्थ का फेवरेट बैंड जहाँ पर हम जाने वाले हैं. और सिद्धार्थ से मतलब बेटर एक्सप्लेन उसको कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि सिद्धार्थ मुझे वैसे बता रहा था कि ये मेरा बचपन का सपना था. इस बैंड का कॉन्सर्ट देखना मेरा बचपन का सपना था. मुझे यहाँ जाना ही जाना है. तो मेरे को तो चलो इतना वो नहीं है क्रेज, लेकिन मैं भी सिद्धार्थ के साथ लटक गई हूँ. मेरे को भी जाना है क्योंकि अब सिद्धार्थ का सपना है तो फिर मेरे को भी देखना है. बहुत सुनता था मैं इसको, बहुत ज्यादा सुनता. मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत सुनते थे. तो एक अमेरिका आके मुझे था कि हाँ उनका कॉन्सर्ट देखने को मिला तो देखूंगा पक्का. और अब मिल रहा है तो फिर कैसे छोड़ सकते. अभी ना गाइज हम लोग स्टॉप लेने वाले हैं वाटर बर्गर पर क्योंकि मुझे और सिद्धार्थ को बहुत भूख लग रही है. हमने लंच तो कर लिया था लेकिन अब पांच बज गए हैं ना. हाँ तो 5 बज गए और फिर कॉन्सर्ट पे भी जाना है और फिर ऐसा ना हो ना कि हमें भूख लग रही हो वहाँ पे. तो इसलिए हम पूरी अपनी पेट पूजा करके जाएंगे. पहला कॉन्सर्ट है ना अमेरिका में. हाँ ये है मेरा पहला कॉन्सर्ट होने वाला है क्योंकि तुम्हारा पहला कॉन्सर्ट है और मेरा फेवरेट बैंड है. तो इट विल बी यूनिक. क्या यहीं पे ऑर्डर करूँ अंदर जाना? नहीं यहीं पे ऑर्डर कर दो. वेजिटेरियन बर्गर बनाते हैं मॉम आंटी. हम मुझे वेजिटेरियन बर्गर. मस्टर्ड सॉस. हाँ ये क्या क्या नंबर वन. कैन यू स्विच द पैटी विद द हैश ब्राउन्स. मेरे ऑर्डर में गड़बड़ ना करते. हमेशा करते हैं. मैं ना अपने लिए वाटर बर्गर पर वेजी बर्गर बनवाती हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, अगर आप लोग भी वेजिटेरियन हो और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लाइक बाहर बर्गर्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ना वाटर बर्गर पर ट्राई कर सकते हो नंबर वन बर्गर. एंड आप पैटी को स्विच करवा सकते हो विद हैश ब्राउन पैटी. तो हैश ब्राउन पैटी इज लाइक अपना आलू की टिक्की टाइप ही वो फील देता है आपको. नहीं पता है बट मतलब ये है कि वो हैश ब्राउन से ना ऐसे ही लगता है जैसे आलू टिक्की बर्गर हो. और साथ में मैं मेयोनीज डलवा लेती हूँ. अगर आपको मस्टर्ड सॉस पसंद है तो आप वैसे ही रख सकते हो एज इट इज. चाट मसाला लेके जाओ. और अपना चाट मसाला लेके चलो अपने साथ हमेशा क्योंकि यू नेवर नो है ना कि आपको यहाँ का पसंद ना आए. तो चाट मसाला से तो टेस्टी टेस्टी. देख लो भाई इतना एक बार चेक कर लिया जाए. कई बार ना गाइस प्रॉब्लम हो जाती है. ये चिकन लिखा हुआ है. मेरा वो है. अच्छा लग रहा है यार. हमेशा तुम्हारा मेरा हमेशा अच्छा होता है. तुम्हारी क्योंकि तुम्हारा जो बर्गर का जो बन होता है ना बहुत छोटा होता है. मुझे देखने के बाद मेरा मन करता है कि यार मैंने वही नहीं खाया. मेरा ले लो खाके देख लो बहुत बड़ा होता है ये वैसे. तो गाइस ये देखो सिद्धार्थ हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. आर यू एक्साइटेड? नहीं इवान नहीं है. जिम मिस कर रहा हूँ उसको मैं. है ना इवान को मैं भी वैसे मिस कर रही हूँ. इवान को ना गाइज हम उसकी दादी के पास छोड़कर आए हुए हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि अभी उसको बस डे केयर से लेकर आए थे और हम साथ ही साथ में निकल आए क्योंकि कॉन्सर्ट जो है वो 6:30 है और हमें टाइम तो लग ही जाएगा पहुंचते. तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसको बाय बाय करना. बट मम्मी कह रहे थे जा क्योंकि फिर मैं ज्यादा करती ना तो वो पीछे पड़ जाता. बताना चाहोगे तुम इस कॉन्सर्ट के बारे में हम कहाँ जा रहे हैं? पता तो लग ही होगा. दिख नहीं रहा. अच्छा तुम दिख रही है. तो गाइज आप गैस करो कि किसके कॉन्सर्ट में जा रहे हैं. जो लोग ब्लैक कर कपड़े पहन के आए हैं दे आर आई थिंक वाचिंग दिस शो. क्या पहन के तुम और वो लोग देखो कैसे हैं. सीरियसली क्योंकि लोगो ब्लैक इज द थीम. ब्लैक है थीम. यस ग्रीन डे का. मुझे तो वो ब्लैक पहनते हैं हमेशा. हे भगवान तो तुम मुझे बता देते. मुझे लगा ग्रीन डे है तो मैं ग्रीन पहन के आ गई. तुम्हें बता मैंने तो तभी पहना था ग्रीन. तुमने अपना सरप्राइज तोड़ दिया है. ओहो तो गाइस अब सरप्राइज क्या रखना. अब हम पहुंच ही गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. बता दो ना अब अपनी टी शर्ट हम कहाँ जा रहे हैं. मेरे पेट को भर भर कर दिया. तो हम लोग आ गए हैं ग्रीन डे के कॉन्सर्ट पे. ये तुम्हारे ओवर एक्साइटेड. तो हम आ गए हैं गाइस ग्रीन डे के कॉन्सर्ट पे.
और तभी सिद्धार्थ ने ग्रीन डे की टी शर्ट डाली हुई, और बहुत पुरानी टी शर्ट है ये तुम्हारी, है ना? तो पोचा लगाने वाली थी वैसे इसका क्योंकि इतनी पुरानी है ये, चलो ना पता नहीं तुमने कहाँ से निकाल के पहन ली। 4 साल पुरानी बस, कहीं नहीं है 4 साल पुरानी, बहुत पुरानी है ये, चलो ना यार। तो और जाने दो यार, अब क्या हो गया। तो सिद्धार्थ है सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड पता नहीं वहाँ पे वैसे रिकॉर्ड तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना सिद्धार्थ? कॉपीराइट इश्यूज होंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ भी सिंगिंग करेंगे, बट आपको हम थोड़ी थोड़ी क्लिप्स जो है, कॉपीराइट का हैक बताता हूं मैं तुम्हें, 6 सेकंड की वीडियो डालो किसी भी गाने की, वो कॉपीराइट में नहीं आती। हाँ वो तो मुझे पता है, तो वो जितने भी गाएंगे ना तो उसके मैं 6 सेकंड्स का डाल दूंगी, और थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स जो भी होंगी आपके साथ शेयर करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं गाड़ी पार्क, पार्किंग हो चुकी है। तो यार पहला प्रॉपर वाला कॉन्सर्ट है मेरा, ये प्रॉपर मतलब असली। तो कैसा लग रहा है? सही, तुम्हारा तो पहला है आई थिंक, मेरा मैंने देखे कॉन्सर्ट पर ऐसे ही नहीं देखा पूरा स्टेडियम। तो अभी अपनी टी शर्ट दिखा दो अच्छे से, ये है ग्रीन डे, सब लोग ग्रीन डे की चीज बन के आए, पर हम ही अकेले इंडियन है। तो तुम मुझे बता देते ना यार, इंडियन है यहाँ पे। हाँ मुझे कोई इंडियन नहीं दिख रहा, क्या है यार तुम्हारे शौक ही बचपन से अतरंगी अंग्रेजों वाले, है ना? तो यहाँ पे गाइज हमने कर ली है अपनी गाड़ी की पार्किंग, और पार्किंग फ्री थी। हाँ आगे $45 थे, फिर जब मैं बुकिंग कर रहा था ना टिकट सारी, तो बोलते ही $150 $130 दे दो, पार्किंग भी कर देते हैं। तो वो आई थिंक सिद्धार्थ पास में होती ना, हमें चलना भी तो कितना पड़ रहा है, थोड़ा चलना भी चाहिए। कहाँ भाई टाइम लेना है? हाँ ले लो ले लो, अच्छा ये तभी दूर होगा ले वहाँ तो जाना है। हाँ तो यहाँ से हम लोग लेंगे ट्राम, और जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा है हमें वहाँ तक लेकर जाएगी। पास में हुई तो है यार वैसे। हाँ वैसे तो पास में ही है, और ठीक है ना, इतना पैदल क्यों चल रहा है, अपने आप को क्यों जाना है इतना। मैंने सीट्स स्पेशल बुक की, वैसे आगे खड़े होने का मन था मेरे, क्योंकि आगे आगे बट मुझे लगा है वो ना फिर 3 घंटे खड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हमारा यार आराम से बैठ के देखेंगे। हमारे पीछे ना एक बंदा खड़ा है जिसके बाल बहुत ही अजीब है। अजीब है? हाँ अरे वो गुड़ी के बाल है, ऐसा स्टाइल है। Dream come true, this lineup is so fun. Thank you to Rancid!
मतलब अभी तो गाइस कॉन्सर्ट शुरू भी नहीं हुआ है और कोई और बैंड आया था ना फिर आते हैं, मतलब बच्चे थे वो सिर्फ 14-15 ईयर्स के। माई गॉड, मेरे मतलब सच बताऊँ मेरे को गूज़बम्प्स आ गए, इतना अच्छी परफॉर्मेंस था। और अभी तो मतलब वो नहीं आए तो पता नहीं क्या होगा, कैसा लग रहा है फिर तुम्हें? और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है बिल्कुल हमारे ऊपर तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब वैसे तो बहुत पास है वो बट इस स्क्रीन पे बहुत दिख रहे, बस हाँ बारिश ना हो जाए क्योंकि थोड़ी थोड़ी हो रही है। अच्छा लग रहा है तो। नहीं अच्छा बारिश नहीं हो रही, वो उन्होंने फैंस वो ओके, मैं सोचूं बारिश हो रही है, नहीं नहीं बारिश नहीं हो रही, तो बस अभी उन्हीं का ही वेट हो रहा है, आने वाले हैं वो, है ना।
Thank you.
गाइस जो कॉन्सर्ट था वो खत्म हो गया है, हम लोग जा रहे हैं वापस सैन एंटोनियो। अब मेरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। तो सोचो सिंगर की एनर्जी कितनी थी, बैंड की, बैंड की बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती कि लिटरली ना गूज बम्स आ गए मेरे को उनका कॉन्सर्ट देखकर। और वैसे तो खैर मेरा ये लाइफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट था, मैंने इसे बहुत देखी बचपन में, यूट्यूब पे देखता था मैं, अमेजिंग रियलिटी में देखा। तुम्हें कैसा लगा, तुम्हारा ड्रीम था ना? मैंने तो बचपन में यूट्यूब पे देखा था इसके, पूरे पता था कब कौन सा पटाखा फूटेगा, कौन सी लाइटिंग गिरेगी, ऐसे फ्रिल्स गिरेंगी, कभी कुछ होता है, कुछ कभी कौन सी बीट पे क्या होता है, मुझे इतना पता था कि यार। नहीं लेकिन तुमने जैसे सोचा था कि ऐसा कॉन्सर्ट होता है वैसा हुआ? हाँ अच्छा हुआ, मुझे लगा था 50 साल के हो गए हैं कहाँ उतनी एनर्जी में बनाएंगे, पर उन्होंने तो हम लोग खड़े खड़े थक गए, वो गाना भी गा रहे थे और फॉर्म भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मतलब मैं हैरान हूँ यार कि उनकी एनर्जी कितनी थी सिद्धार्थ, और उनकी एज के अकॉर्डिंग वो मतलब क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, जबरदस्त परफॉर्मेंस, वाओ। और मतलब या मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, फुल एंटरटेनमेंट, फुल पैसा वसूल कॉन्सर्ट था। सीट्स भी अच्छी थी ना? हाँ सीट्स तो चलो अच्छी थी, फ्रंट में ही ली हुई थी, बट मतलब ऐसे लग रहा था कि इतनी महंगी ले ली तुमने, पर नहीं अब ऐसे लग रहा है कि वर्थ इट था। और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। एंड अभी बस हम घर जा रहे हैं, एक्चुअली अभी टाको बेल पे रुके हैं क्योंकि घर का जो ETA है वो दिखा रहा है 12:36 और फिर घर जाके तो अब क्या ही खाएंगे, इसलिए बस अभी रास्ते में पिक कर रहे हैं टाको बेल से। और बस हाँ इवान को बहुत मिस किया और अभी तो वो सो ही गया होगा, तो आज बहुत ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड नहीं हो पाया उसके साथ, बट इट्स ओके। और बस अभी हम घर जा रहे हैं एंड आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।